कार्यकर्ता उपस्थित हो पाए श्रीमान मनीष गुप्ता जी, श्रीमान राहुल जी, श्रीमान विजय यादव जी, और प्रथम नाम जिनका नाम है श्रीमान इंद्रजीत यादव। पीताम्बरालंकृतम् श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नपदनम् श्रीशीलयः शोभितम् कारुण्यामृतसागरं चरणाभ्यां नमः। श्रीमान इंद्रजीत ओझा जी को जितने तिलक लगा देंगे मनस से तो हाँ ओझा जी बीच में ला आप मुख्य यजमान स्वरूप आज प्रथम दिन के हैं मारसे को ओम मां त्वां गंधत्वा अकारं स्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकधेशो राजा विद्वान् यक्षमाता उचियात अक्षन्नमे मदन्तश्चाप्रिया अधोखत अस्तोखत्स्वभानवोऽप्युप्राणाविष्ठाय। एक मिनट के सबको माला। विजय यादव जी, मनीष जी और जो नाम श्रीमान पीके सिंह जी और श्रीमान प्रिंसिपल साहब आर के जायसवाल जी आप ही गद्दी दिखा देंगे माल्यार्पण के क्रम में और जो नाम शेष रहेंगे माल्यार्पण क्रम अंतिम में भी रहेंगे। हरि रे टीका निग्रह दाता कर्पूर आरा ओम चंद्र आरा प्रत्यम समर्पयामि आरती ले लें मिथिलेश जी आरती ले लीजिए। आर के जायसवाल जी प्रिंसिपल साहब और पी के सिंह जब दत्ता मिथिलेश जी जब दत्ता न दत्ता पारा जान जब पूर्तन जाश्चा दक्षिणा अपने स्थान को ग्रहण करने से भी प्रेम सहित
भगवान ने भी इसी उम्मीद के साथ इस धरती पर हमको आपको नर बनाया है। राजेश गुप्ता जी, परमात्मा ने हमको आपको नर बनाया इस उम्मीद के साथ कि हे नर, तू नारायण बन, कम से कम नारायण नहीं बन सकता तो एक सच्चा मानव तो बन। भगवान सभी मनुष्य से जो उम्मीद करते हैं, नर हो या नारी, कि उसके पास 6 ऐश्वर्य हो और वो तेजवान पुरुष हो, तेजस्वी नारी हो, ये 6 ऐश्वर्य परमात्मा कल्पना करते हैं कि सभी नर नारी के पास कम से कम हो। पर यदि ये 6 ना हो तो 4 तो तुम्हारे पास हो। मान्यवर मणि जी, कम से कम हमारे पास धर्म हो, यदि मनुष्य जीवन हमको मिला है, नर नारी के रूप में हम धरती पर हैं और हम में धर्म नहीं है, हम नर और नारी हैं, हमने अर्थ नहीं रखा है अपने पास। अर्थ की केवल परिभाषा द्रव्य से नहीं होनी चाहिए। कितना सुंदर निवेदन बाबा ने किया है बड़े भाव से, धर्म अर्थ क्या है। पर
इसी पंक्ति को हम लोग आश्रय से लेकर भगवान की सप्त दिवसीय कथा का आनंद लेंगे। एक बार हम सब लोग इस पंक्ति को गाने की कोशिश करें और स्मरण में रखें कि हमारा सचिव सत्य होना चाहिए। अच्छा, जब सचिव सत्य होगा तो सचिव के बारे में कहा है कि कम से कम हमारा सचिव गलत ना बोलता हो तो हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। सचिव यदि गलत बोलेगा, असत्य के साथ बोलेगा तो हमारा पतन निश्चित है। ये पंक्ति सभी लोग गुनगुनाने की कोशिश करेंगे साथ साथ तो अच्छा होगा। सचिव श्रद्धा प्रिय सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय माधव सलीस daily।
ये पंक्ति बड़े काम की है। इस पंक्ति पर हम 7 दिन तक सब लोग मंथन करेंगे आपस में, और रोज अपने घर में जाकर जब सोएंगे ना, तब ये मन में विचार करेंगे कि क्या सत्य हमारा सचिव है। क्या हमारी पत्नी श्रद्धा के रूप में है, और क्या हमारा मित्र माधव है। जिसका मित्र माधव नहीं है, उसे गई हुई 4 चीजें मिल नहीं सकती वापस, याद रखना। और जिसका मित्र माधव है, उसकी छिनी हुई 4 चीजें सहज ही उसको प्राप्त हो जाती है। पर कब? जब वह जीव माधव पर पूरा भरोसा कर लेता है। कई बार हम माधव को देखते हैं तो भागते हैं। माधव हमको दिखता है तो हमें भागने का मन होता है। पर जो माधव को देखकर भागने का मन बनाता है, उसे सतगुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी। तो गई हुई 4 चीजें, छिनी हुई 4 चीजें आपके जीवन में आपको वापस हो सकती है। भरोसा माधव पर करना होगा। हमको आपको पता है, जय और धीरे से जय और धीरे से जय जय में इतनी निष्ठा है आपको, आप जरा कल्पना करो, हनुमान जी महाराज सतगुरु है। अगर सतगुरु नहीं है इंद्रजीत बाबू, तो हम लोग ये पंक्ति इस रूप में क्यों गाते हैं? कितने मधुर भाव से पंक्ति गाई है बाबा। कृपा
नहीं नहीं कहते, क्यों कहते हैं कृपा करो गुरुदेव की नहीं नहीं। ये सारे के सारे रिश्ते जितने हमको याद आते हैं, शायद शायद ये रिश्ते हमारी खोई हुई चारों चीजें हमको न दिला पाए, लेकिन यदि हमारा भरोसा राजेश गुप्ता जी हनुमान जी पर यानी सतगुरु पर है, गुरुदेव के ऊपर है, तो निश्चित रूप से ये चारों चीजें जो हमसे हमारी दुनिया में छिन जाती है वो हमको फिर से वापस मिल सकती है। फिर एक बात ठीक से सुनकर समझेंगे, माधव सरीस मीत, मीत माने मित्र, हमारा मित्र कैसा हो, हमारा मित्र भगवान के समान होना चाहिए, माधव के समान होना चाहिए, हाँ कि उसका भाई बाली उसको जब भी मारता था गदा से मारता था और गदा से नजदीक आने पर प्रहार होता और वो भाग करके कृष्णधार पर्वत की तलहटी में रहता था, उसको पता था कि इस पर्वत पर मुनि के श्राप के नाते से मेरा भाई आ नहीं सकता। अब की बार जब धनुष बाण लिए हुए लोगों को देखा तो उसने मन में विचार किया कि धनुष तो दो से ही मारा जा सकता है, लगता है मेरे भाई ने अब की बार मुझे मारने की दूसरी योजना बनाई है, दूर से ही बाण से मार कर मुझे मार देना चाहता है। इसलिए भगवान को देखकर, माधव को देखकर, सच्चे मित्र को देखकर के कई बार हम भ्रमित होकर के भागते हैं या भागने का मन बनाते हैं, हम भागने का मन बनाते हैं, हमको परिवार प्यारा लगता है और परमात्मा बुरा लगता है, इसीलिए तो हम घड़ी देखकर भागते हैं घर में, घड़ी देखा अरे बहू रानी नाराज होगी उसके बेटे को नहीं देखूंगा तो भागो घर में, भागो। हम तो घूमने निकले थे आधा घंटा के लिए, चले आए अपने पंडाल में, भागो और न बहू रानी नाराज होगी। राजेश बाबू ये जो भागो है, हमें भागना कहाँ है, इसकी इसकी ही तो पहचान हमको करनी है। भाग तो दुनिया रही है, लेकिन कुछ लोग अंदर भाग रहे हैं, कुछ लोग बाहर भाग रहे हैं। जर्मनी में एक हाल में सत्संग चल रहा था, भूकंप आया तो सब भागे, भाग कर लोग बाहर गए, भूकंप का झटका खत्म हुआ तो फिर लोग अंदर आए और जब अंदर आए तो देखा जो महात्मा जी सत्संग कर रहे थे वो बैठे हैं, लोग आकर फिर से बैठने लगे, लेकिन कुछ लोगों से बाहर नहीं गया, वो आगे बढ़ के आए और बोले कि आप बताइए स्वामी जी, स्वामी जी तो समाधि में है। अरे स्वामी जी आप ही से बोल रहा हूँ, स्वामी जी को ध्यान ही नहीं। कुछ देर के बाद स्वामी जी की तंद्रा टूटी और स्वामी जी से लोगों ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, इतना भयानक भूकंप आया, हम सब लोग भागकर मैदान की तरफ गए और आप यहीं बैठे रह गए और कब से जगा रहे हैं। बोले मैं भी तो भाग ही था। आप भागे थे? अरे हम भागे तब भी आप नहीं थे, हम लौट कर आए तब भी आप नहीं, तो कब भागे आप। मान्यवर अशोक मिश्रा जी, दुनिया भाग रही है, बस अंतर केवल इतना है, कोई अंतर भाग रहा है, कोई बाहर भाग रहा है। महात्मा जी ने कहा कि आप तो भाग कर मैदान में गए, हो सकता मैदान फट जाता तो हम भी भाग कर गए पर हम अंदर गए, उसकी शरण में गए जहां से भूकंप के झटकों की शुरुआत होती है, मैंने उसकी शरण में। कुछ लोग दुनिया में भाग रहे हैं, कुछ लोग परमात्मा की शरण की तरफ भाग रहे हैं। सुग्रीव जीवात्मा है, ध्यान से समझिएगा, सुग्रीव जीवात्मा है, परमात्मा परमात्मा है
और जीवात्मा और परमात्मा के बीच में, जिसके लिए भी आपने गाया कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, मम्मी की नाई नहीं, पापा की नाई नहीं, भाई की नाई नहीं, कृपा करो गुरुदेव की नाई, तो वो